खबर कराहल से है, जहां रविवार को कराहल कस्बा स्थित गढ़ी में बली साहब बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाने आए झांसी मेडिकल कॉलेज के दंत विभाग अधीक्षक डॉक्टर हैदर जब पूजा अर्चना कर रहे थे, ये तभी दोपहर के समय अज्ञात चोर ने उनकी ह्युंडई कार का शीशा तोड़कर अंदर रखे लैपटॉप और बैग जिसने 10,000 रूपये रखे थे चोर लिया था। तत्काल घटना की सूचना कराहल थाने में दी गई। इस पर नवागत थाना प्रभारी संजीव तिवारी ने पुलिस टीम घटनास्थल पर भेजी और दरगाह के पीछे की साइट से चोरी हुआ माल भी बरामद कर लिया। मामले में प्राथमिकी फरियादी ने दर्ज नहीं करवाई। इस त्वरित कार्रवाई पर फरियादी पक्ष ने कराहल पुलिस की जमकर तारीफ की। क्या नाम है सर आपका, क्या घटना हुई आज? डॉक्टर खुशतर हैदर है। मैं यहाँ कराहल वाले बाबा पे आया था, 12:30 बजे करीब करीब मैं यहाँ दरगाह पे पहुँचा। तो दरगाह पे अंदर चादर चढ़ाने के लिए मैं गया। चादर चढ़ाने के लिए जब मैं गया तो बाबा के जो पीर बाबा थे वो वहाँ नहीं थे, तो मैंने उनको फोन करवाया तो उन्होंने बोला कि वो 10 मिनट में आ जाएंगे वापस। वापस आने का उनका हुआ तो मैं वापस गाड़ी पे गया अपना कुछ सामान उठाने के लिए। तो वहाँ जब गाड़ी पे जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा है गाड़ी का कांच टूटा हुआ है। तो मैंने फ़ौरन गाड़ी के अंदर देखा तो पता चला कि वहाँ पे जो मेरा गाड़ी में बैग रखा हुआ है, दो बैग, मेरा एक मेरे छोटे भाई का और एक मेरा, उस बैग में मेरा पर्स और मेरा लैपटॉप था और छोटे भाई के बैग में उसका कुछ कैश जो कि 5 से 10,000 रुपये के बीच में रहा होगा और ईयरपॉड्स जो उसके कान के सुनने वाले स्पीकर होते हैं वो रखे हुए हैं। तो वो दोनों बैग्स वहाँ से गायब थे। बाकी गाड़ी में कुछ और सामान था खाने पीने का, वो वहीं रखा हुआ। तो मैंने जब ये बाबा के दरगाह में जो पीर बाबा थे उनको बताया तो वो मेरे को यहाँ थाना पुलिस स्टेशन करहाल लेके आए और जहाँ पे मैं थाना प्रभारी तिवारी साहब से मिला और उन्होंने मेरी तुरंत ही मदद करना शुरू कर दी। अपने थाना में जितने भी लोग उनके यहाँ पदस्थ थे उनको सबको उन्होंने फौरन ही अलर्ट किया और मेरे साथ कुछ को मेरे साथ भेजा, कुछ को और लोगों को ढूंढने के लिए भेजा। और मुझे इतनी प्रशंसा है कि इतने अच्छे लोग हैं इस थाने में कि उन्होंने मेरी 1 घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ें बरामद करा दी और मेरे साथ लगे हुए हैं और हमेशा मेरे को मतलब मेरा ढांढस भी बनाए रखा कि मतलब आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, हमेशा मेरे साथ रहे। जिसमें वैश्य साहब भी रहे, यहाँ यादव जी जो हैं वो रहे, सैफ जो थाना प्रभारी तिवारी साहब जिन्होंने आज ज्वाइन किया वो भी रहे, और ड्राइवर साहब हमारे जो गाड़ी चलाते हैं सलीम साहब शायद हैं उनका नाम, वो भी हैं, और भी कुछ लोग रहे जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मतलब विकास जी भी थे यहाँ पे सेना में, मतलब शायद वो पुलिसकर्मी रहे होंगे विजय जी, उन्होंने सबने बड़ी बड़ी मदद करी और वो ये सब मेरे को मिल गया है, वापस मिल गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी कराल थाना प्रभारी के लिए आप प्रशंसा उनकी तो कर रहे हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ कराल थाने प्रभारी जी का, यादव साहब का जो यहाँ पोस्टेड है, वैश्य साहब का और अन्य थाना जितने लोग पोस्टेड हैं सबके लिए, कि मतलब अगर वो मेरे लिए जो कि एक बाहर से व्यक्ति आया है उसके लिए इतना मतलब उत्साहित होकर उन्होंने काम किया, इतना प्रॉम्प्टली उन्होंने काम किया, तो ये मतलब यहाँ के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये यहाँ पे भी बहुत अच्छा ही काम करने वाले हैं।